हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। अभी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि बीकॉम के वीडियोस फटाफट में डाल दूँ, ताकि आपके जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख से, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो और आपको प्रॉपर टाइम पे जो है आपको सारी चीजें मिल पाए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करने वाला हूँ एसेंशियल टेक्नोलॉजी फीचर्स रिक्वायर्ड। तो ई कॉमर्स में जब भी आप ई कॉमर्स की बात कर सकते हैं तो क्या क्या ऐसे टेक्नोलॉजिकल फीचर्स आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे या फिर ई कॉमर्स में होनी चाहिए, जिसके कारण से आपका बिजनेस जो अच्छे तरीके से काम कर पाता है, तो हम इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। पूरा देखना इस वीडियो को, ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाए। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेड कलर का बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसे दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियोस ऑर्डर में देखनी है तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए। जाने के बाद यहाँ पे आपको इग्नू बी कॉम न्यू दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी ढेर सारी, जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में आप जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको असाइनमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो आपको अगर चाहिए, अगर आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, नोट्स अगर आपको बहुत ही सस्ते दामों पर चाहिए कॉमर्स की पाठशाला की तरफ से, तो हम वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको हमारे ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करना है और बीकॉम में जाना है। बीकॉम के इस ज्वाइनिंग मेंबर फी को पेमेंट करने के बाद हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आपको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा रिगार्डिंग एनीथिंग, है ना। जो भी आपको चाहिए होगा, जिस तरह की जानकारी आपको चाहिए होगी, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, 1 रुपए भी आपको नहीं लगेंगे। साथ ही साथ आपको बहुत ही कम दामों पे जो है नोट्स भी मिलेंगे, एटलीस्ट 40% डिस्काउंट पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का जी, तो जो कि है एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल फीचर्स रिक्वायर्ड। तो जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में कुछ कुछ फीचर्स होने चाहिए, जिसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है यूबीक्विटी। यूबीक्विटी का मतलब क्या होता है? यूबीक्विटी का मतलब होता है कि कोई चीज हर एक जगह से अवेलेबल है, हर एक जगह उसकी जो अवेलेबिलिटी है, जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है, वो बहुत ही आसान है, लोगों को कहीं से भी कभी भी वो सामान जो है मिल पा रहा है, उसे कहेंगे यूबीक्विटी, ठीक है ना। सो ई कॉमर्स इज ए यूबीक्विटस, दैट इज इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एवरीवेयर एट एनी टाइम, है ना। तो यूबीक्विटस कैसे होगा ई कॉमर्स? जब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से किसी भी टाइम, तो उसे हम ubiquitous कहेंगे, है ना, या फिर ubiquity बोलेंगे। It is not restricted to any physical space and makes it possible to shop anytime, anywhere, using any electronic device, having internet connectivity, है ना? तो यहाँ पे बात बोली गई कि इसका जो एक्सेस है वो आपको कहीं भी कहीं से कभी भी आपको मिल सकता है। इसका इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के अपना आपको अपना सामान बेचना होगा, है ना। यहाँ पे फायदा क्या होता है कि यहाँ पे आप कहीं पर भी बैठे आप किसी भी टाइम पे शॉप कर सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल फोन हो, या फिर टैबलेट हो, सिर्फ उसके साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर अवेलेबल है, तो आप कभी भी कहीं से भी इन सारी चीजों का सहायता लेकर के आप शॉपिंग कर सकते हो, ई कॉमर्स पे आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो, राइट। तो यूबीक्विटी पहला हो गया। दूसरा है ग्लोबल रीच। तो ई कॉमर्स में ग्लोबल रीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ई-कॉमर्स एक्चुअली आपके प्रोडक्ट को ग्लोबल बना सकता है। सपोज मैंने किसी चीज को अमेज़न इंडिया पे डाला है और कोई बाहर का व्यक्ति जिसे हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो वो अमेज़न पे जाकर के हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है अभी के टाइम पे, है ना। तो ग्लोबल रीच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेक्नोलॉजी हैज एलिमिनेटेड द नेशनल बाउंड्रीज, है ना। टेक्नोलॉजी के कारण जो हमारी जो नेशनल बाउंड्री है कि कोई सामान इंडिया में ही बिक रही है, वो बाउंड्री आपकी हट गई है। आप किसी भी सामान को पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी बेच सकते हो। इन ई-कॉमर्स बिजनेसेस पोटेंशियल मार्केट साइज इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द ग्लोबल पॉपुलेशन। जो पोटेंशियल मार्केट साइज है वो सिर्फ आपका इंडिया नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन अभी के टाइम पे हो गया है, है ना। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसको एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का बनाना पड़ेगा, ताकि हर जगह पे वो सेम लगे। जो दूसरे जो देश के जो लोग हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट पे जब देखें या फिर आपके जब वेबसाइट पे आए, तो उनको भी जो इंटरफेस है बहुत ही अच्छा लगे। ऐसा ना लगे कि भाई कोई देसी सा है ना। देसी में भी कोई खराबी नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है, जिसको आपको मेंटेन करके रखना चाहिए जब भी आप ई कॉमर्स की बात करते हैं। अनदर ऑब्वियस अनयूजुअल फीचर ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज इज देयर इज अ सेट ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेट दैट इज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, है ना। तो हमेशा कोई ना कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड होता है इंटरनेट का, जिसके बेसिस पर हम बोलते हैं कि भाई वो इनका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का है। द इंटरनेट इज शेयर्ड एट ग्लोबल लेवल बाय ऑल द नेशंस। इट एनेबल्स एनी कंप्यूटर टू लिंक विद एनी अदर कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय ईच ऑफ देम, ठीक
ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जो इंटरनेट है वो ग्लोबली शेयर किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बिना किसी इशू के, है ना। रिगार्डलेस कि आप किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अगर इंटरनेट पे हो तो आप बहुत ही आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हो और आपकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती है ना। तो ये तीसरा सबसे बड़ा एसेंशियल हो जाएगा किसी भी अच्छे जो जो हमारा टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होता है ई कॉमर्स का, उसमें उसका, ठीक है ना। यूजिंग द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फाइल्स कैन बी इजिली एक्सचेंज विद एनी रिमोट डिवाइसेस अक्रॉस द ग्लोब, है ना। तो जब आप यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हो तब आप यहाँ पे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का फाइल जो है एक्सचेंज कर सकते हो किसी भी रिमोट एरिया पे जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, या फिर जहाँ पे बहुत ही गाँव देहात का इलाका है, या फिर कोई जंगल वाला इलाका है, वहां पे भी आपको ये सारी की सारी चीजें जो है अवेलेबल हो पाएंगी, है ना। तो ये हमारी तीन टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं जो एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि ई कॉमर्स में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, मैं वो भी आपको देख करके बता देता हूँ। चौथा है रिचनेस। सो एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, है ना। तो जो एडवर्टाइजिंग होती है, फिर जो ब्रांडिंग होती है, वो कॉमर्स का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। ई कॉमर्स कैन डिलीवर वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, बिलबोर्ड, साइंस एंड ईटीसी लाइक ट्रेडिशनल कॉमर्स, है ना। ई कॉमर्स में जैसे कि आप देखते हो कि बिलबोर्ड्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो वो चीजें ई कॉमर्स में भी अवेलेबल है। ई कॉमर्स में आप वीडियो बना सकते हो, ऑडियो बना सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, बिलबोर्ड्स का तो ऑप्शन है ही, साइंस बना सकते हो। जिस तरीके से ट्रेडिशनल कॉमर्स में होता है कि बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जगह जगह पे बोर्ड्स लगाए जाते हैं, उसी तरीके से ई कॉमर्स में भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। वीडियो वाला ऐड ऐड हो जाएगा, ऑडियो वाला ऐड हो जाएगा, एनिमेशन वाला ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अभी के टाइम पे ई कॉमर्स में अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट्स आर रिच, कैन बी डिलीवर्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग द रीच, है ना। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है आपका टॉपिक का, वो आपको बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हो बिना एक तरीके से अपने रीच को सेक्रीफाइस किए हुए, है ना। आपने मतलब अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने कंटेंट को, अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में जो भी आपने एड बनाया है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, वो बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये रीचनेस जो है वो अवेलेबल है ई कॉमर्स के माध्यम से। वेयर एज अगर आप फिजिकल मार्केट में हो तो डेफिनेटली आपको देखना, आपको प्रॉब्लम होगी जब आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन नहीं हो पाता। लेकिन ई कॉमर्स में चूंकि ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, ये बहुत ही आसानी से एक तरह से लोगों तक जो है पहुंचाया जा सकता है और कस्टमर एक्विजिशन का काम जो है बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है इंटरएक्टिविटी। सो ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज अलाउ फॉर इंटरएक्टिविटी, मीनिंग दे एनेबल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द मर्चेंट एंड द कंज्यूमर, है ना। तो इंटरएक्टिविटी जो है वो भी अलाउ होनी चाहिए। इंटरएक्टिविटी भी अलाउड होती है जब आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, जहां पे एक व्यक्ति जो कि एक मर्चेंट है, वो अपने कंज्यूमर के साथ टू वे कम्युनिकेशन कर पाता है, जहां पे वो बातचीत कर पाता है अपने कंज्यूमर के साथ कि उस कंज्यूमर को क्या दिक्कत हो रही है, उसको उस कंज्यूमर को क्या नई चीजें चाहिए आपके प्रोडक्ट में, या फिर वो आपके प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कंज्यूमर और जो मर्चेंट है उसके बीच में इंटरएक्टिविटी के जरिए जो है ये सारी चीजें है पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है इंफॉर्मेशन डेंसिटी। सो ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द इंफॉर्मेशन कलेक्शन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, है ना। तो इंफॉर्मेशन डेंसिटी के होने के कारण ई कॉमर्स जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण से एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का, स्टोरेज का, कम्युनिकेशन का, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये सारी चीजों खर्चे होते हैं, इन सबको एक तरीके से रिड्यूस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के आने से ये सारी चीजें जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, स्टोर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड मोड पे है ना, सारी चीजें भी पॉसिबल है। एट द सेम टाइम इट हैज इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी जो है इन लोगों ने इंक्रीज करा है, मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट देन एवर। अभी के टाइम पे इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ई कॉमर्स के टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना की कोई और अदर इन्फॉर्मेशन। आने वाले टाइम पे आपको पता है कि डेटा साइंस का दौर आ रहा है, लोग डेटा को किस तरीके से माइनिंग करेंगे, डेटा को किस तरीके से एक्सेस करेंगे ताकि वो अपने बिजनेस का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सके, इस चीज के ऊपर जो है काम चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन डेंसिटी यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिएट होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको इन सब चीजों को स्टोर करने में, कलेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, प्रोसेसिंग करने में आपको खर्चा जो है बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, उल्टा कम हो जाता है ई कॉमर्स की एक्टिविटी के कारण, है ना। पर्सनलाइजेशन, है ना, ई कॉमर्स के कारण पर्सनलाइजेशन अवेलेबल है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेम, इंटरेस्ट एंड द पास्ट परचेसेस बिहेवियर, प्रोडक्ट्स कैन बी कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड। फर्दर दिस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन could be used for sending marketing and promotional message to the targeted customers. ये अभी आपके सामने होता है।
जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो देखना, और सर्च का जो रिजल्ट आता है अगर सेम रिजल्ट नहीं भी आता है तो कुछ टाइम बाद देखना कि आपको जैसे ही वो सेम रिजल्ट का कोई प्रोडक्ट आ चुका होगा तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पास मार्केटिंग और प्रमोशन मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको अगर ये चीज चाहिए तो आप यहाँ से जाकर के बाय कर सकते हैं, है ना। तो ये पर्सनलाइजेशन जो है, आप जब कोई किसी चीज को सर्च कर रहे हो तो गूगल को या फिर जो जो भी सर्चिंग वेबसाइट्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको किस तरह का कस्टमाइजेशन चाहिए, आपको किस तरह का पर्सनलाइजेशन चाहिए, और उसके बेसिस पे जो है प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है और प्रोडक्ट को जो है आप तक पहुंचाया जाता है ना। तो ये जो जो भी आपकी सारी चीजें हैं, आपका जो यू नो जो बेसिस है, इंटरेस्ट है आपका, जो इंटरेस्ट है, जो आपके पास्ट परचेज हिस्ट्री है ना, उसके बेसिस पे जो है कस्टमाइज और पर्सनलाइज जो प्रोडक्ट्स है वो तैयार किए जाते हैं, और इन सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप तक मार्केटिंग और प्रमोशन मैसेजेस को भेजा जा सके और आपको एक तरीके से एनकरेज किया जा सके कि आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदो, राइट। सो दीज 7 पॉइंट्स वेयर द एसेंशियल टेक्नोलॉजिकल फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।